अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिल कर रहा था कि सब्जी बनाएं, क्योंकि मीट चिकन खा खा के हर वक्त तो दिल नहीं करता सब खाने को ना, गोश्त वगैरह मीट चिकन सब। तो मैंने करेले रखे हुए थे छील के, अब मैंने 3 टमाटर निकाले हैं और 3 ही प्याज निकाले हैं, 4 मिर्चें निकाली हैं और धनिया, और 1.5 कप लिए मैंने चने की दाल, जो कि मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ आज दाल करेले। देखिए, तो मैंने करेलों को नमक लगा के रख दिया है, तो अब इन पे हो जाते हैं शुरू। ले जी, ये अब करेलों के लिए, करेले दाल करेले के लिए सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया मैंने, सब कुछ काट के रख लिया है। ये प्याज हैं 3 जो मैंने बताए थे, ये 4 टमाटर हैं, ये 3-4 मिर्चें, सबस थोड़ी सी धनिया है, एंड ये है मसाले। 1 बड़ा चम्मच टेबलस्पून है धनिया पाउडर, टीस्पून है गरम मसाला, नहीं जीरा पिसा हुआ, 1/2 टीस्पून है गरम मसाला, 1 टेबलस्पून है जीरा, टीस्पून है हल्दी, 1 टेबलस्पून है नमक, एंड 1 टीस्पून है रेड मिर्च, लाल मिर्च जो है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं करके, तो दाल मेरी जो है वो बॉयल हो रही है। ये जी करेले मैंने धोए हैं अच्छी तरह, नमक निकाला है, ऑयल में डाल दिए मैंने फ्राई होने के लिए। अभी मैंने थोड़े से ये डाले हैं, थोड़े से पड़े हैं, वो भी मैं ना पौने से निचोड़ के धो के, तो पौने से अच्छी तरह निचोड़ के इसमें डालती हूँ। ये सारे करेले मैंने धो के फ्राई करने के लिए अब इसमें डाले हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ऑयल में फ्राई होने हैं, तो इसी में फिर मैं ये निकाल के तो प्याज लाल कर लूँगी, मसाला बना लूँगी दाल के लिए, ऑयल भी ज़ाया नहीं होगा और ये इजी एक दफा ही हो जाएंगे करेले। इसमें डाली है मैंने 2 मिर्चें, जो कि साबुत छोटा छोटा कट लगा के ना, कि ये वो होएंगी नहीं, वरना उड़ जा उड़ती हैं, फप फप होती हैं ना। ये करेले इतने अच्छे हो रहे हैं, ये हो जाते हैं ऐसे ही मैं निकालूंगी, तो इसमें दाल के लिए मैं मसाला बना लूंगी। ये करेले मेरे हो चुके हैं ब्राउन, हाफ मतलब कि आधे आधे ब्राउन। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी प्याज, जो कि इसके साथ ही ना नरम हो जाएगा, नरम हो जाएगा तो उतनी देर में करेले भी अच्छी तरह हो जाएंगे, तो फिर मैं बनाऊंगी इनका मसाला। इसका हो चुका है प्याज नरम करेलों के साथ, अब मैं इसको सबको निकाल लूँगी, निकाल के तो बनाऊँगी मसाला। अब ये निकाल लिया मैंने, खाली कर लिया, इसमें मैं डालूँगी प्याज, जो कि मसाला बनेगा इसमें। अब जी प्याज मेरे हो चुके हैं लाइट ब्राउन से, अब इसे मसाला बनाना है, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल ख़त्म नहीं करने प्याज करेले, दाल करेले हैं, तो इसमें मैं ये टमाटर डाल दूँगी और ये पानी के साथ करना, बिल्कुल मसाला इतना अच्छा हो जाएगा। कौन कौन से डाल रहे हैं ये देखिए, कितने प्यारे प्यारे कलर लग रहे हैं मसालों के। ये अब इसमें मैं सारे डाल दूंगी, सब डाल रहे हैं। जब तक ये टमाटर मेल्ट होंगे, मसाले भी अंदर अच्छी तरह रस समिस जाएंगे, जो कि बिल्कुल जच जाएंगे अंदर। ये लीजिए मेल्ट हो चुके हैं मेरे टमाटर, ये ज़्यादा मैंने नहीं ही करनी, क्योंकि खड़ा खड़ा रखना मसाला, मैंने सारे मसाले जो है ना इसमें खड़े खड़े रखने हैं, इसीलिए अब मैं डालूंगी इसमें सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें मैंने 3 काटी थी बड़ी वाली,
बुलेट मिर्चें जो होती हैं वो इतनी कड़वी नहीं होती, इसलिए इसमें मैंने 3 काट ली। और इतना अच्छा मसाला हो गया है ना, डालूंगी मैं सारी दाल जो कि बॉयल करके मैंने रखी हुई है, बॉयल करते हुए मैंने दिखाई थी। ये मैंने चने की दाल 1.5 कप दाल जो है मैंने बॉयल की है, 1.5 भी नहीं था, कम ही थी थोड़ी, जिस चीज़ का मैंने मसाला बनाया था जितना क्वांटिटी में मैंने बताया हिसाब से उतना। और नमक तो होता है ना कि अपने हिसाब से कर लें। ये दही हो चुकी है, अब मैं डालने लगी हूँ दाल में यह करेले और प्याज जो फ्राई की है। ये दाल हो गई है मेरी भूनी गई है, अब मैं इसमें डालती हूँ करेले। करेले डालेंगे, इसको हिलाती हूँ अच्छी तरह। वो जी हांडी हमारी हो जाएगी 10 मिनट में, 5-6 मिनट में तैयार, क्योंकि अब रखना है हमने सिर्फ इसे दम पे। जी ले जी हांडी हो गई तैयार, अब मैं रोटी बनाऊंगी। मतलब दाल करेले कितने मज़े के बने, दिल कर रहा है कि अभी रोटी बनाऊं और खाने बैठ जाऊं। देखिए इतना मज़े का ये सालन बना है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और इसका टेस्ट क्या बात है। इसमें अब मैं देखिए डालूँगी धनिया, धनिया डाल दिया, अब इसको हिला के तो दम पे दे देती हूँ, तो बस माशाल्लाह ये दाल करेले बन गए और खाने वाले भी तैयार, खाना भी तैयार है। आपको अच्छा लगे तो आप बनाना ज़रूर और मुझे बताना कि कैसा लगा है और कैसा बना है। तो फिर सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना, क्योंकि मुझे भी तो पता चले ना कि मेरी बनाई हुई चीज़ जो आप लोगों को पसंद आती है तो आप बनाते हैं। तैयार, और अब मैं देने लगी हूँ इसको दम। दम देके ओनली 5 मिनट के लिए रख दूंगी तो ये तैयार है, क्योंकि सारा मसाला जो है करेलों में दाल में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और टेस्ट माशाल्लाह क्या बनेगा बात नहीं।